आज नींद पूरी हुई है। हिसाब लगाओ, कल शाम को 6 बजे मैं सोया और आज दोपहर के लोकल टाइम 12 हो गए, 11। बीच बीच में उठा हूँ लेकिन फिर सो गया, उठा फिर सो गया। आपने नोटिस किया होगा मैंने एक भी बार वीडियो में खाना नहीं खाया, क्योंकि रश लोड था बस। सारी दुनिया है बार, कुछ भी तबाह नहीं हुआ, कोई जंग नहीं लगी। एक बार ट्रक गर्म कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को माइक्रोवेव चलानी है, तो माइक्रोवेव चलाने के लिए ट्रक स्टार्ट करके सुबह सुबह जब ट्रक स्टार्ट करना होता है ना, तो इसको अपनी कार्रवाई डालने दिया करो। को ये भी प्रॉब्लम है, जब इसको बंद कर देते ना, ऊपर माइल आनी शुरू हो जाती है, किलोमीटर नीचे आने शुरू हो जाते। जितने वहां पे खड्डे थे ना, बुरा हाल कर दिया खड्डों ने, की भी हड्डी पसलियां उखड़ी पड़ी हैं। गुलाब जामुन चमचा चमचा तो भाई हर जगह में मिलेगा चमचा। ये कोफ्ते, ये शाही पनीर है, ये गुलाब जामुन है भाई जी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। खाना लग चुका है और आप सब इनवाइटेड हो मेरे साथ खाने के ऊपर। शुक्र है ऊपर वाले का, दो टाइम का खाना जिसको मिल रहा है ना, और वो अपनी सेहत उसकी ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, समझ लो दुनिया के अमीर बंदों में उसका नाम आता है। शूज साफ होते ना भाई, तो बड़ा मजा आता है देख देख के अपने शूजों को। इस तरफ सबवे, इस तरफ टिम मॉर्टन, कहाँ जाऊँ? इंगी पुंगी टिंगी पुंगी इंगी टिम मॉर्टन। वैसे मेरे को टिम मॉर्टन पे जाना था, ये तो मैसेज बोल रहा था। टिम मॉर्टन पे लाइन हर एक जगह पे होती है। अगर आपने स्टीप टी ऑर्डर करनी है तो आपको फ्रेंच में बोलना पड़ेगा दी इनफ्यूज। आपको ये चीज तो मालूम ही होगी कि ट्रक अपने आप बंद हो जाते हैं। मेरा भी ट्रक आज सुबह से ना, हर 5 मिनट के बाद में आइडलिंग नहीं करता, बंद हो जाता है। मेरे ट्रक में हीटर लगा हुआ है, कैस्केडिया ट्रक है ना, उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब आपका ट्रक बंद है, आपको एसी चलाना है, तो पीछे वाली जो हीट और जो एसी होता है वो काम करता रहता है। अभी मेरे को अंदर गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी मेरा ट्रक हर 5 मिनट के बाद में बंद नहीं हो रहा। पीटर बेल्ट है ये, क्यों नहीं बंद हो रहा? इसमें सेंसर लगे हुए हैं, जैसे गर्मी जो है ना 30 डिग्री के पास में चली जाती है, तो अभी इसका सेंसर देखो 32 डिग्री बता रहा है। जैसे 30 डिग्री के ऊपर हुआ तो मैंने हैरान हो गया, मैं बोला ये ट्रक बंद ही नहीं हो रहा। अभी मेरे दिमाग में आया कि 30 डिग्री के ऊपर जाके ये ट्रक अपने आप बंद नहीं होता। सिलेंडरों के साइज देखो भाई कितने बड़े, ऐसा एक रखा हो बारबेक्यू करने के लिए, 2-3 महीने खत्म नहीं होगा ये। रेडिंग चालू है भाई। टीम वालों का भी थैंक यू करके आया हूँ, सबवे वालों का भी थैंक यू करके आया हूँ, और इस जगह का भी थैंक यू भाई। मैंने बड़े सपने लिए यहाँ पे, 2 रातें सो सो के मेरे को कौन कौन सी जगह घूमनी थी मैंने सब जगह घूम ली, और मेरे को कहीं जाना भी नहीं पड़ा, एक ही जगह में आइएगा। शुक्र है बाबा जी का। सामने एक टो ट्रक खड़ा है, दूर से देखो इसका रंग, और इसने एक ट्रक भी टो किया हुआ है अपने पीछे। ओए होए होए, इंटरनेशनल। अपना ट्रक स्टॉप बहुत छोटा था जहाँ हम रुके थे ना 2 दिन, अगर बड़े ट्रक स्टॉप के ऊपर रुकते तो डेफिनेटली अपनी रेंज में कोई ना कोई ट्रक आता क्यूबक वालों का, और क्यूबक वालों के ट्रक देखने वाले होते हैं गोरों के, जबरदस्त बनाए होते हैं उन्होंने, लाइटें वाइटें लगा के, फ्लोर फ्लार प्लान सब मतलब की कस्टम होते हैं पूरे उनके, बीसी वाले अमेरिका वाले बंदों के होते हैं ना भाइयों अपने के, ऐसे ही छोटे छोटे गाँव में आ जाते हैं, ऊपर से है क्यूबक, यहाँ पे ना तो साइन बोर्ड समझ आते हैं कि कौन सा साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना मेरे को मालूम पड़ रहा है कि जो भी लेफ्ट राइट का रोड आता है ना, उस पर एक ही चीज लिखी हुई है कि एक्सेप्ट लोकल्स, कि लोकल के बगैर यहाँ ट्रक रूट नहीं है। ये देखो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है प्रेपर्स वॉइस एडिटर, अपने आप को रेडी कर लो स्टॉप करने के लिए। इसका टू टू करने का मतलब पता है क्या है? ये रोड का इसको भी मालूम नहीं है कि ये ट्रक रोड है या नहीं है, लेकिन मेरे को कोई भी साइन बोर्ड नहीं आया कि ये ट्रक रोड नहीं है। ये देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो लाल हो गया, नो ट्रक्स अलाउड 700 मीटर, और वो सामने बोर्ड भी आ गया कितना, मैं बोल रहा हूँ इसको मालूम नहीं, लेकिन ये सही है भाई। देख लेते हैं आगे जाके अभी क्या कर सकते हैं, अपनी पिकअप इधर से ये लिखा हुआ है कुछ ओके, बोलते हैं सीधा ट्रक रोड नहीं है, अगर आप यहाँ से राइट कर लेते हो तो ये ट्रक रोड है, ये पीछे जो बोर्ड लगा हुआ था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये बोलते हैं नो ट्रक्स अलाउड, एक्सेप्ट भाई कोई चक्कर नहीं है, सामने ट्रक खड़ा खाली कर रहा है। कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं बंदे को। ये देखो ट्रक वाला लोकल आया ना खाली करने के लिए, इसका हम थैंक यू करेंगे, इसने हमारे लिए वेट किया है, चाहे है गुस्से में ही। आज बहुत दिनों के बाद में पूरा 53 फीट ट्रेलर अपना यूज होगा। अभी देखो ये वाले जो रैंप है मैंने वहाँ से उतार के यहाँ लगा दिए, चारों को एक जगह में रख दिया, बेल्ट डाल दी, इस पर 3 बेल्टें डाल दी है, लेकिन पीछे अपने वाइड लोड है। सो दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि हम वाइड लोड लेके निकलेंगे, लेकिन इसके ऊपर टार्प डालनी सबसे मुश्किल काम। बड़ी चुपचाप सी कंपनी है, बहुत बड़ी है, वहाँ से लेके वो नया बिल्डिंग बन रही है, और ये इनके पीछे भी इनके यहाँ पे शेड है, वो देखो अपने ट्रक के पीछे। 100 मील होती है ना
जो आरा होता है लकड़ी वाला आरा, आरे के पार्ट्स हैं इनके पास में। बीसी में कहीं जा रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ पे जाएंगे, मैं तो विनीपेग तक लेके जाऊंगा मेरे ख्याल में। अभी जो जो मैं लगाऊंगा वो आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज लगती है, क्या क्या साइन लगाने, क्या क्या रूल होते हैं, जितना मेरे को मालूम पड़ेगा उतना। सदियों के बाद में ऐसे वाली बैग लगाने का मौका मिला है, कितनी शांति है यहाँ पे, अगर बात बनती है तो। कहीं भूल तो नहीं गए? टैंडम और ट्राई एक्सल दोनों की कटाई का फर्क होता है, ट्राई एक्सल थोड़ी सी लेट घूमता है। ये अपना वाइट लोड है भाई, ये अभी देखते हैं कहाँ तक आता है कहाँ तक नहीं, लेकिन ये रखेंगे अपने ट्रेलर के ऊपर, थोड़ा ही बाहर आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है ये, सिर्फ 8.5 फुट ट्रेलर होता है, 10 फुट के पास में चौड़ा है। लेकिन वाइट लोड, वाइट लोड होता है अगर आपके ट्रेलर से बाहर आ गया विड्थ में, लेंथ में, तो उसके हिसाब से परमिट पुल करने पड़ते हैं कि हाँ भाई कितना लेंथ लंबा है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो आपके साथ में एक गाड़ी जाएगी, अगर कम ही है तो फिर गाड़ी की जरूरत नहीं होती, लाइटें वाइटें लगानी पड़ती हैं। Good for you. Huh? The box, good for you. I will open the belt and you can put it on. अभी देखो इसके कोने ना लोहे के बहुत तीखे हैं, इसको बहुत हैं कॉर्नर, ये लोहे के ऊपर लगाने के लिए कॉर्नर होता है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो ये मैंने दोनों तरफ लगा देने कॉर्नर ऐसे, इसे मेरी बेल्ट जो है ना कट नहीं होगी लोहे से तीखे से। अभी इसके ऊपर टर्प डालनी है भाई, हर चीज़ जिंदगी में पहली बार होती है, पुलिस वाला बोलता है जब टिकट दी थी, बोलता है हर चीज़ जिंदगी में पहली बार होती है, ये भी जिंदगी में पहली बार हो रही है। टर्प एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हवा बीच में गई तो बाद में आपसे रास्ते में संभाली नहीं जाएगी। वो दो ऊपर के दिख रहे हैं ना, वो उसके कॉर्नर कंधे, वो शोल्डर के ऊपर दो कारपेट आएंगे, ये आगे सारे कारपेट आएंगे यहाँ पे, तो ये कारपेट होते हैं, ये देखो भाई ने रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से खोल के एक एक दो दो करके ऊपर लेके जाऊँगा सारे ट्रेलर के ऊपर, जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि टायर पाएगी वहाँ वहाँ बिछा देने। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे आपको मालूम है किसके हाथ में होता है, उसके हाथ में। गब्बरू दा तीर कोई तुक्का नहीं गया। फिर इसके ऊपर ये वाले कारपेट लकड़ी के बॉक्स के ऊपर, यहाँ पे मैंने ये डाल दिए, वहाँ पे मैंने वो डाल दिए, वो भी काम चलता हो जाएगा। उससे पहले इसको बंजियाँ मार के बांधना है, जब टार्प आए तो ये हिल ना जाए अपनी जगह से। जाने के टाइम में उठा लूंगा भाई। ना 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 ना, ताड़ियाँ नहीं, ताड़ियाँ नहीं, नहीं ताड़ियाँ नहीं, ताड़ियाँ नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है, एक टारप आगे वाली बाकी है, ताड़ियाँ नहीं, ताड़ियाँ नहीं। 100 बंजी थी मेरे पास में, 100 की 100 मैंने पीछे लगा दी, क्योंकि मैं नया बंदा हूँ तो मेरे को होता कि कहीं से टारप उड़ गई रास्ते में तो नहाया धोया सब बीच में रहेगा। अभी तो जो हालात बनी है वो तो बनी रहेगी। मेरे ख्याल में ये कपड़े जो 3-4 दिन से डाले हुए हैं ना, मेरे फेवरेट वाले थे, वन ऑफ द माई फेवरेट, और ये मेरे ख्याल में भी दोबारा काम में नहीं आएंगे। सबसे पहले पीछे वाली डालनी होती है, फिर सेंटर वाली, अगर लोड एक लेवल में होता है ना तो टायरपें बहुत अच्छी जाती हैं, जैसे वो बोरे थे, जैसे लंबर होती है। फ्लैट बेड का सबसे मुश्किल वाला पार्ट पता क्या होता है, टायरप डालनी। अभी तो गर्मियाँ हैं फिर भी आसानी है, मेरे पास अभी सूरज नहीं आ रहा, लेकिन अगर -20-30 में टायरप डालनी पड़ती ना ऐसे वाले लोडों के ऊपर, बहुत सारे बंदे मेरे जैसे ही होते, हो सकता है मैं भी भाग जाऊँ। चढ़ दी कला भाई जी, मैं क्या देसी बालक। ओवरसाइज लोड 9 इंच इस तरफ होगा, 9 इंच इस तरफ, और वाइड लोड। ये ऊँट के जैसा हुड निकला हुआ है ना बाहर, इसका इसकी वजह से सारा वाइड लोड हो गया। ये तो वैसे कौन सा ये वाइड लोड है, यहाँ से वाइड होता है वहाँ पे झंडे लगने होते, बस उस तरफ भी ऐसे ही 2 झंडे। इन लाइटों का स्विच कहाँ पे है भाई, ये लाइटें दोनों चली नहीं, ना इस साइड वाली ना उस साइड वाली, मेरे को लगता है इसको अंदर ही बंद करना पड़ेगा। ये एक स्विच लगा हुआ है, लेट्स चेक इट आउट, तेरे को स्पेशल बाहर निकाला था यार, कितनी तेरी इज्जत बनाई। सही है, अगर ये चलती हैं तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे ये अंदर ही चलती हैं, ये देखो ये बाहर नहीं निकाली मैंने, ये अंदर ही चल रही हैं। वो लाइट दिखाई दे रही है, ये भी चला दी देखो, हर मैदान फतेह। 4 घंटे लगाए लेकिन टायर पे देखो आपके भाई ने डाली हुई, हर तरफ से पूरी निगाह मारो, अभी मेरे को वेट है परमिट की, 1 फुट भी वाइड है,
रोड के ऊपर निकलना है परमिट चाहिए, फिर पहले पंप के ऊपर जाके नहाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कहाँ जाना है क्या करना है। मैं सेंटर में रख के चला रहा हूँ, सेंटर में दोनों ट्रैकों के, कंस्ट्रक्शन वाली साइड है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, मेरा दिल अभी ऐसे 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 कर रहा है। सिर्फ अभी नेक्स्ट ट्रक स्टॉप जो है वो 25 किलोमीटर है बस, मेरा दिल ऐसे 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 कर रहा है और अंदर से मैं बोल रहा हूँ वाहेगुरु बाबा जी गलती होगी लेकिन अभी संभाल लेना, क्योंकि ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, प्रोफेशनल बंदे हम, लेकिन हो गई। नॉर्मली जब जाते ना किलोमीटर ऐसे निकल जाता है, अभी मैं मोबाइल के ऊपर देख रहा हूँ भाई किलोमीटर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा 15 थे, अभी मैंने देखा 14 ही है, किलोमीटर नहीं निकलते, आपकी जान निकलती है, वही मेरे से जाने में ही है, लेकिन गलती बहुत बड़ी है, होनी नहीं चाहिए थी। 5-10 मिनट तक वेट करेंगे, कोई भी पुलिस वाला आपके पीछे आके भी आपका परमिट चेक कर सकता है कि इरविंग आपको मालूम है अपना फेवरेट है, सिर्फ इरविंग के लिए मैंने 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा रिस्क लिया है। ट्रक देखो, वाह इसने बड़ा शिंगारा हुआ है, देखो हा हा शुगर है भाई, बड़ी तगड़ी गलती हो गई मेरे को ना, कंपनी ने ना परमिट सेंड कर दिए अंटेरियो का, मैनिटोबा का, अल्बर्टा का, जैसे कंपनियां जो पक्का वाइड लोड का काम करती हैं तो ओवरसाइज लोड वाले जो कंपनियां होती हैं ना, साल साल का परमिट पक्का ही लिया होता कि हमारे ट्रक कभी भी निकल सकते। मैंने सोचा कि भाई परमिट आ गए, तो मैंने परमिट देखा ही नहीं भाई, मैं निकला रोड के ऊपर, मेरे को कंपनी की कॉल आई पीछे से, बोला तुम मूव कर रहे हो, मैं बोला भी हाँ, निकल गया वहां से मैं। कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई तेरा परमिट नहीं आया क्यूबक का, दूसरे 3 परमिट भेजे तेरे को एनुअली जो दूसरी प्रोविंसेस के। ओह शिट मैन, मैं बोला क्यूबक वाले परमिट जो है ना वो 1 दिन 12 घंटे से ऊपर टाइम लगा देते हैं परमिट देने में, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है भाई, मैं सुन रह गया सुन, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं कभी लेता, क्योंकि मैं ट्रकिंग करता हूँ, मैं वीडियो भी बनाता हूँ, अगर वीडियो बनाने वाला बंदा ही ऐसे रिस्क लेगा तो दूसरे भाई मेरे को देखते हैं वो क्या समझेंगे कि यार ये तो खुद बंदा 2 नंबर में घूम रहा है। तो ये भाई मेरी गलती है, गलती ऐसी कभी करनी नहीं है जिंदगी में, क्योंकि इसकी टिकट बहुत बड़ी होती है। और दूसरी एक बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रोड के ऊपर पुलिस वाले टिकटें देते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट का नाम डाल के देख लेगा कि आपकी ट्रांसपोर्ट ने आज कोई परमिट पुल किया है कि नहीं किया, उसको आपके पास में आने की जरूरत नहीं है। चलो एक तो रिस्क हो गया, एक ये सहूलत होगी यहाँ पे शावर शुवर मिल जाएगा अभी अपने को, थोड़ी टेंशन फ्री हो गए। एक बार तो भाई दुर्तरी सी दिमाग में फिर रही थी और मेरा बात करने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मालूम होता ना कि आगे कुआ है तो फिर भी उसमें छलांग लगाने के लिए भाग रहे हैं, वो बात हो जाती है। ट्रक देखो आगे की लाइटें देखो जो नीचे लगी, क्यूबिक नंबर है यहाँ पे, ये मिलता है। इरविंग वालों ने एक ये दिया, एक ये साबुन दिया नया वाला, इसमें से निकाला और ये टावल दिए, नीचे सफाई नहीं की, नीचे पहले बहुत गंदा था लेकिन शावर में मज़ा आया, पानी गर्म था, प्रेशर भी बड़ा अच्छा था, थोड़ी होश आई है, मेरे को लग रहा है कि अभी मैं दुनिया में हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। बर्गर एप पोलट चबी ANWP आगे, फिर हमारी करारी फंस गई। ओ वाओ, मैं बोला इंग्लिश बोलती है चिकन, याद भी भूल गया मैं कि मैंने टायर पेन डाली है, अगर सारे रास्ते में कुछ करना ना पड़ा इसको, समझ लो कि बस हमने जंग जीत ली है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको खा के चिकन चबी बर्गर को मैं बस खराटे लेने वाला हूँ और कुछ नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल सुबह देखेंगे। वैसे भी ओंटारियो में जो भी वाइल्ड लोड होता है सनराइज से आधा घंटा पहले स्टार्ट करते हैं। Hand in hand like left, right, left, right, oh.